हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग एक जरूर देखिए, आपको भाग एक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, इसके पहले हम इतिहास पार्ट पांच में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कोठारी आयोग और उपग्रह का उपयोग, इस सब के बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। बच्चों, ये जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय को यहाँ पे चित्र दिया गया है। यह एक मुक्त विश्वविद्यालय है। इसमें जो बच्चे दसवीं करने के बाद किसी कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ पे आकर मुक्त रूप से शिक्षा ले सकते हैं, यहाँ पे आगे की पढ़ाई जारी कर सकते हैं। देश में सामान्य जनों के घरों तक ज्ञान गंगा ले जाने के लिए इस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सबके घर में ज्ञान पहुंचे, लोग शिक्षित हो, इसके लिए ये मुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1970 को वैश्विक शिक्षक वर्ष के रूप में घोषित किया था। इसी वर्ष भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में मुक्त विश्वविद्यालय विषय पर नई दिल्ली में चर्चा सत्र का आयोजन किया, यानी इस पर चर्चा किया गया। इसमें समाज कल्याण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान, इसमें सब लोग ने आपस में मिलकर नई दिल्ली में चर्चा किया मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। और इस चर्चा सत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना करने की जो अवधारणा है वो सामने आई। सब लोग ने कहा कि नहीं, हमको मुक्त विश्वविद्यालय की एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए ताकि उसमें सभी लोग शिक्षित हो, सभी लोग मुक्त रूप से आकर उसमें शिक्षा प्राप्त कर सके। वर्ष 1974 में सरकार ने पी पार्थ सारथी की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की। समिति मतलब चार छह आदमी को मिला के एक समिति बनाया जाता है, जैसे कोई संगठन होता है उस प्रकार की समिति की। उसके द्वारा दिए गए सुझाव और सिफारिशों के अनुसार 20 सितंबर 1985 को मुक्त विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आया, यानी बनाया गया। इस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया है। देखो, ऊपर नाम दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी यानी मुक्त विश्वविद्यालय। जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ, उन्हें इस मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु योग्यता, आयु तथा अन्य नियमों शर्तों में छूट दी गई। मान लो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाया हो, जैसे नियमानुसार जो बच्चे शिक्षा करते हैं आठवीं नवीं दसवीं बारहवीं जो, तो अगर नहीं कर पाते हैं तो इस मुक्त विद्यालय में वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसमें लेने के लिए योग्यता और आयु और जो नियम शर्त है उसमें उनको छूट दी गई है। विश्वविद्यालय ने वर्ष 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से दृश्य श्रवण पद्धति तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। दृश्य श्रवण यानी टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोग मतलब आगे की पढ़ाई जारी कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है दूर से पत्राचार द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, मतलब बुक वगैरह आ गया और आप घर में पढ़ के फिर जाके वहां पर एग्जाम दे सकते हो। विश्वविद्यालय ने विभिन्न शाखाओं द्वारा 1000 से अधिक पाठ्यक्रम चलाए। इसमें ना ये जो अलग अलग शाखा है विश्वविद्यालय, इसमें 1000 से ज्यादा अलग अलग पाठ्यक्रम, जैसे अपना इंजीनियर हो गया, डॉक्टर का हो गया, नर्सेस का हो गया और सीए का हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रम, कुकिंग का हो गया, कृषि विज्ञान का हो गया, ऐसे अलग अलग पाठ्यक्रम चलाया गया। देश में 58 प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र का मतलब होता है ट्रेनिंग सेंटर, जैसे बीएड का ट्रेनिंग होता है उसी प्रकार अलग अलग विषय के ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। विदेश में 41 केंद्र स्थापित कर विश्वविद्यालय ने शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई, यानी विदेश में भी 41 केंद्र बनाए गए और वहां पर भी लोगों को शिक्षा दी गई। महाराष्ट्र के नासिक में वर्ष 1989 में यशवंत राव चव्हाण
महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह भी ऐसा ही विश्वविद्यालय जैसा हमने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा। इनका लोगो दिया गया है, क्या लिखा है नीचे, ज्ञान गंगा घरोघर, यानी सबके घर में लोग शिक्षित हो, इस उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया। इसमें भी योग्यता आयु और नियम शब्दों में छूट दी गई है, पर यहाँ पे लोग एडमिशन लेते हैं और फिर आगे की पढ़ाई जारी कर सकते। अनुसंधान संस्थान विज्ञान, अनुसंधान का मतलब होता है खोज, विज्ञान में क्या खोज हुई, कहाँ खोज, कैसे हुई खोज। स्वतंत्रता के बाद के समय में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान में लाभ सभी तक पहुंचे, जो खोज होती उसकी लाभ फायदा सबको मिले, इस उद्देश्य से वर्ष 1950 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च संस्थान की स्थापना किया गया। देखो बच्चे, यहाँ पर इसका लोगो दिया गया है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का मतलब होता है जैसा तुम्हारा विज्ञान है उसमें तीन विज्ञान होता है, एक भौतिक शास्त्र, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा जीव शास्त्र। भौतिक शास्त्र में तरह तरह के सिद्धांत दिए होते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, और रसायन विज्ञान में जैसे कोई केमिकल है, कोई केमिकल के आधार पर सोडियम बाइकार्बोनेट और ये जो अलग अलग जो रसायन होते हैं उसके बारे में इसमें दिया रहता है। और जीव विज्ञान में मतलब जीव से संबंधित जैसे वनस्पति है, जानवर है, मानव है, उससे संबंधित रहता है। औषधि विज्ञान जो है औषधि से संबंधित रहता है। अन्न प्रक्रिया, अन्न यानी अनाज प्रक्रिया, खदान विभाग जो नीचे से जो खुदाई की जाती है उसमें तरह तरह के खनिज वगैरह निकाले जाते हैं, जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ यानी खोज का जो कार्य है वो शुरुआत हुई। संस्थानों में होने वाले अनुसंधान कार्यों का लाभ भारत के उद्योगों को मिले, इसके लिए औद्योगिक संस्थानों के साथ अनुबंध भी किया, अनुबंध मतलब करार या शर्त वगैरह भी लागू किए गए। परिणाम स्वरूप भारत का आयात कम हुआ और विदेशी मुद्रा की बचत हुई। पहले क्या होता था कि हमारे देश में खोज नहीं हुई थी और ज्यादा विज्ञान आगे विकसित नहीं था, इसके लिए हमको बहुत सारी चीजें हमको विदेश से मंगवानी होती थी, वो आयात कम हुआ और जिसके कारण हम कोई चीज मंगाते तो उसके लिए हमें पैसा देना होता है, तो हमको विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इस संस्थान ने मौलिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश में गए हुए विद्यार्थियों को भारत लौटा लाने में इस संस्थान की प्रयोगशालाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सारे विद्यार्थी विदेश में जाते थे विज्ञान से संबंधित पढ़ाई करने के लिए, वो सभी विद्यार्थियों को भारत आए, ये प्रयोगशाला ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संस्थान ने मतदान प्रक्रिया में उंगली पे लगाई जाने वाली स्याही, तुमने देखा होगा तुम्हारे माता पिता अगर कभी वोट देने गए होंगे तो उनकी उंगली में स्याही लगी रहती है, तो स्याही जल्दी छूटता नहीं है, तो स्याही टाइफाइड एक बीमारी का नाम है, बुखार का नाम है, हाथी रोग। देखो बच्चों नीचे चित्र दिया गया है, एक पाव देखो कैसे हो गया है हाथी की तरह। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी, टीबी के लिए जो दवाइयां वगैरह उसकी खोज की गई। जल शुद्धिकरण का तकनीक विज्ञान, बांस उत्पादन के लिए लगने वाली अवधि को कम करना जैसे कार्य किए गए। पहले बांस बढ़ने में उसमें बहुत समय लगता था, उसकी अवधि को कम करने के लिए खोज किया गया। उसके अलावा फिंगर प्रिंटिंग विज्ञान भारत में सबसे पहले उपयोग में लाना, जो देखो फिंगर प्रिंटिंग यहाँ पर दिया गया है, अभी तुम लोग आधार कार्ड बनाने जाते हो तो वहां पे फिंगर प्रिंट लेते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे भारत में इसका उपयोग में लाया गया फिंगरप्रिंट को। अंडमान के आदिवासियों का जनुकीय अध्ययन कर वे जनजातियां 60,000 वर्ष प्राचीन है यह सिद्ध करना, भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त करना जैसे कार्य इस संस्थान ने किए। कड़वी नीम का कीटनाशक के रूप में उपयोग में लाना, घाव को ठीक करने के लिए हल्दी का उपयोग करना, चावल में विभिन्न प्रजातियों के संदर्भ में पेटेंट जैसी बातों में CSIR संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। CSIR ने भारत के परंपरागत ज्ञान का डिजिटल कोर्स तैयार कर उसे 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया, मतलब ये जो है इसका एक डिक्शनरी बनाकर और उसको 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी जैसे अंग्रेजी हो गया, रशिया की भाषा हो गई, जापानी भाषा, ऐसे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उसको उपलब्ध कराया, लोगों तक पहुंचाया। गणित तमिलनाडु के नेशनल फॉर रिसर्च इन द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस नामक संस्थान की वर्ष 1962 में स्थापना हुई। इस संस्थान ने गणित विषयों में होने वाले सर्वोच्च अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया। देखो बच्चों ये चित्र दिया गया है,
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, यह एक संस्थान है जो गणित के लिए शोध कार्य करती है। संगणक, संगणक का मतलब मालूम है, कंप्यूटर, जिसका हम लोग आज हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 1969 में हमने स्वदेशी बनावट का संगणक बनाया, यह भारत का पहला बनाया हुआ संगणक यानी कंप्यूटर है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से स्वदेशी बनावट का प्रथम संगणक ISIJU निर्मित किया, इसका नाम है ISIJU, ये पहला संगणक। वर्ष 1974 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अर्थात TCS कंपनी को अमेरिका से सॉफ्टवेयर निर्मित क्षेत्र का ठेका मिला, ठेका का मतलब होता कॉन्ट्रैक्ट मिला, और भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग जो है उसकी शुरुआत हुई। संगणक के कारण वैज्ञानिक अनुसंधान को गति प्राप्त, यानी अनुसंधान जो है खोज है, वैज्ञानिक खोज जो है आगे बढ़ा। वर्ष 1987 में अमेरिका ने भारत को महासंगणक देने से इनकार कर दिया, अमेरिका ने महासंगणक देने से मना कर दिया भारत, इसलिए राजीव गांधी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राजीव गांधी ने खुद से महासंगणक बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है CDEC, अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। वर्ष 1991 में विजय भटकर के मार्गदर्शन में परम 8000 इस महासंगणक की निर्मिति की गई। देखो बच्चों, यहाँ पे CDEC, इसका यहाँ पे लोगो दिया गया है, डॉक्टर विजय भटकर इन्होंने यह संगणक बनाया था, इसका नाम था परम 8000। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, इस संस्थान द्वारा न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंसेस जैसे विभिन्न विषयों पर असाधारण खोज, अनुसंधान मतलब होता है खोज करने का कार्य किया गया। परमाणु भट्ट निर्माण हेतु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। देखो बच्चों, ऊपर चित्र दिया गया है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का लोगो दिया गया है, नीचे जो है परमाणु भट्टी का चित्र दिया गया है। अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी का मतलब होता है जैसे इंजीनियरिंग, IIT। वर्ष 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT स्थापित किया गया। भारत में अभियांत्रिकी की सभी शाखाओं को उच्च और उन्नत शिक्षा उपलब्ध हो और उसके माध्यम से देश की विज्ञान से संबंधित आवश्यकताएं पूरी की जा सके, इस उद्देश्य से संस्थान की स्थापना की गई। पवई मुंबई, चेन्नई, कानपुर के पश्चात नई दिल्ली में अभियांत्रिकी महाविद्यालय को IIT में रूपांतरित किया गया यानी बदल दिया गया। जैसे पहले अभियांत्रिकी कहा जाता था, अब IIT कहा जाता है, इसको बहुत सारे विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं। इन संस्थानों को स्थापित करने में सोवियत रशिया, अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को ने सहयोग दिया, यानी सभी लोग ने अपना अपना मदद किया। भारत में IIT संस्थान को स्वायत्त विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान कर BTEC और MTEC पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। सभी लोग जानते हो BTEC किसे कहते हैं, MTEC किसे कहते हैं। प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश, उचित शुल्क और विद्यार्थियों के लिए आरक्षण, ये IIT संस्थान की विशेषताएं थी। पहले इसको पढ़ने के लिए लोग विदेश में जाते थे, बहुत सारा पैसा उनको देना होता था, बहुत खर्च आता था, अब अपने देश में होने के कारण पैसा और फीस वगैरह कम हो गई। वर्ष 1970-80 के दशक में इन संस्थान के विद्यार्थी बड़ी संख्या में विदेश जाने लगे, फलस्वरूप ब्रेन ड्रेन की समस्या आई, उस शिक्षित विद्यार्थियों का अस्थायी रूप से विदेश में जाना उत्पन्न हो गया, यानी जब वो वहां जाने लगे तो वहां रहना खाना और वहां ज्यादा खर्च आता था। वर्ष 1990 के बाद इस स्थिति में बदलाव हुआ और वर्ष 1994 गुवाहाटी असम में, 2001 में रुड़की में IIT संस्थान की स्थापना की गई, यानी जो विदेश में जाते थे IIT की पढ़ाई करने के लिए, वो अपने देश में ही होने के कारण उनका समय, उनका पैसा, इस सर्वे में अपने परिवार में रहना, ये सब चीज होना संभव हो पाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM,
आईआईटी में उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियर शिक्षित होने लगे हमारे देश में। अब कुशल प्रबंधक निर्माण करने हेतु केंद्र और गुजरात राज्य सरकार ने अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान के निर्माण में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का सहयोग प्राप्त हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम संस्थानों की स्थापना कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोड़े, इंदौर और शिलोंग में भी किया गया। देखो बच्चों, यहाँ पे गुजरात के अहमदाबाद में ये जो आईआईएम है, इस संस्थान की यहाँ पे स्थापना किया गया। क्या आप जानते हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संस्थान में फिल्म निर्माण के संदर्भ में शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ पे जैसे एक्टिंग करना सीखना, प्रोड्यूसिंग करना, डायरेक्ट करना, ये सब जो है सीखा जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे फिल्म से जुड़े हुए निर्देशन, संकलन, अभिनय जैसी बातों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने की सुविधा जो है इस संस्थान में उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे ये सारे चीज यहाँ पर लोग सीखते हैं। इस संस्थान को पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी की विरासत प्राप्त है। फलतः यह संस्थान संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त यानी प्रसिद्ध है। देखो बच्चों, नीचे दिया गया है प्रभात फिल्म कंपनी, यानी इसको यहाँ पर इससे इसकी शुरुआत हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी वर्ष 1961 में अहमदाबाद में औद्योगिक आरेखन विषय का प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान ने वर्ष 1963-64 में बेसिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वस्तुओं का डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम का शुरुआत किया। इस संस्थान ने आकाशवाणी सेट यानी ट्रांजिस्टर, जिसमें हम रेडियो वगैरह सुनते हैं, गणक यंत्र, कैलकुलेटर जैसी वस्तुओं का आरेखन यानी डिजाइन बनाया। इंडियन एयरलाइंस और स्टेट बैंक का बोध चिन्ह यानी लोगो बनाने का कार्य किया गया। देखो बच्चों, यहाँ एयर इंडिया का लोगो दिया गया है और इसके बगल में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो दिया गया है। इसको बनाने का कार्य जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन्होंने किया। अनुसंधान संस्थान यानी चिकित्सा ने मेडिकल लाइन में कौन कौन से खोज किया, कौन कौन से संस्थानों ने किया और क्या प्रगति की, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारे देश को आजादी मिली, उसके बाद जो है चिकित्सा क्षेत्र में शोध कार्य करने हेतु वर्ष 1949 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की स्थापना हुई। देखो बच्चों, ऊपर ICMR का लोगो दिया गया है। इस संस्थान द्वारा देश के विश्वविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज, शासकीय यानी शासन का अशासकीय यानी निजी अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान के लिए सहयोग, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्राप्त कराने का दायित्व यानी जिम्मेदारी सौंपी गई। विभिन्न रोगों पर खोज करने के लिए 26 केंद्र पूरे देश में शुरू किए गए। इस संस्थान में किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप क्षय रोग यानी जिसको हम टीबी भी कहते हैं और कुष्ठ रोग का मतलब होता है कोड पर नियंत्रण पाना संभव हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पे कोड का चित्र दिया गया है। इसी क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस AIIMS संस्थान, जिसको हम एम्स नाम से भी जानते हैं, इस संस्था का गठन किया गया। इस संस्थान को चिकित्सा विज्ञान के स्नातक का मतलब होता है जैसे डिग्री हासिल करते हैं ना 15वीं तक पढ़ के, उसको स्नातक बोलते हैं। और स्नातकोत्तर का मतलब होता है जो उसके आगे की पढ़ाई MA PhD वगैरह करते, उसको स्नातकोत्तर बोला जाता है। ये पाठ्यक्रम के शिक्षा का दायित्व इनको सौंपा गया। चिकित्सा विज्ञान के अधिकाधिक संकायों के महाविद्यालय जहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध है, यानी यहाँ पर मतलब डिग्री और उसके आगे की भी जो पढ़ाई है यहाँ पर उसको जो शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। शोध कार्य की उत्तम सुविधाएं, सुसज्जित सार्वजनिक अस्पताल, ये सभी इस संस्थान की विशेषता है, यानी यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध। इस संस्थान द्वारा आम लोगों को उचित दामों में
चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई, यानी कम पैसे में लोगों को मतलब जो मेडिकल सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त होती है। परिचारिकाओं मतलब होता है नर्स, नर्स प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए एक इनका अलग से महाविद्यालय खुलवाया गया है। तथा हृदय रोग जैसा हार्ट पेशेंट होता है, हृदय रोग, मस्तिष्क विकार जैसा दिमाग का जो मनोविकार होता है ना, जो पागलपन या ऐसे जो बीमारियां होती है, और नेत्र रोगों पर उपचार करने हेतु सुपर स्पेशलिटी केंद्र खोले गए। सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र का अधिक विकास करने के लिए वर्ष 1958 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया संस्थान का पुनर्गठन किया, यानी फिर से उसकी रचना की। इस संस्थान को चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता का निकष निर्धारण और निरीक्षण तथा उसकी जांच करने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर इसको सौंपी गई। आयुर्वेद, आयुर्वेद का मतलब तुम लोग जानते ही हो, है ना, जड़ी बूटियों द्वारा जो उपचार किया जाता है। प्राकृतिक उपचार जो प्रकृति द्वारा उपचार किया जाता है, जैसे सूर्य वगैरह हो गया, योग वगैरह हो गया। यूनानी और होम्योपैथी, यूनानी का जो हम लोग आजकल दवाई वगैरह लेते हैं, होम्योपैथी में छोटी छोटी सफेद कलर की दवाइयां होती है साबुदाने जैसी, ये सभी चिकित्सा प्रणालियों में खोज और विकास करने हेतु वर्ष 1969 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी इस संस्थान की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में इस संस्थान को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पे 3 नए संस्थानों की स्थापना की गई। पहला है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, जिसको हम जाते हैं ना टेबलेट्स वगैरह लेते हैं। दूसरा है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन द होम्योपैथी, मैंने होम्योपैथी बताया था, चूहे का अलग उपचार पद्धति, इसमें सब छोटी छोटी मीठी मीठी गोली रहती है, उसको खाना होता है। और तीसरा है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड योग एंड नेचुरल क्यूर, इसमें योग विद्या, आयुर्वेदिक, आयुर्वेद का समावेश होता है। इन संस्थानों से संबंधित चिकित्सा प्रणाली के अनुसार विभिन्न रोगों पर खोज कार्य करना, उनका परीक्षण करना, औषधियों का प्रमाणीकरण करना आदि का दायित्व इसको सौंपा गया है। कर्क रोग यानी कैंसर, कैंसर की शिक्षा, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, यह संस्थान को टाटा मेमोरियल सेंटर के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर का लोगो दिया गया है, यहाँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का चित्र दिया गया है। कर्क रोग जिसको हम कैंसर भी कैंसर के नाम से जानते हैं, उनसे संबंधित उपचार, खोज और कर्क रोग से संबंधित शिक्षा प्राप्ति के लिए यह जो संस्थान है राष्ट्रीय स्तर के केंद्र के रूप में यह कार्य कर रहा है। अनुसंधान संस्थान यानी कृषि में कौन कौन सा अनुसंधान हुआ, उसके कौन कौन से संस्थान या संस्था है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। भारत के कृषि क्षेत्र में वर्ष 1905 ईस्वी में अनुसंधान कार्य का शुरुआत हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष 1985 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। यानी विश्वविद्यालय मतलब तो सभी कोई भी देश है यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है या जानकारी प्राप्त कर सकता है। कृषि क्षेत्र का विकास, शोध कार्य, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान का मतलब होता है मिट्टी से संबंधित विज्ञान, कृषि विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, आर्थिक वनस्पति जैसे हमको तुरंत पैसा मिले जैसे नील हो गया, इसको हम नकदी फसल भी कहते हैं, जैसे नील हो गया, कॉफी हो गया, कपास हो गया, तो ये क्या हो गया है, आर्थिक फसल आदि विभागों द्वारा विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हुआ। इस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मुख्यालय में एक पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, जहाँ पर किसी से संबंधित पुस्तकें रखी होती है। यह पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा कृषि से संबंधित पुस्तकालय है। गेहूं, दलहन, दलहन का मतलब जो अलग अलग प्रकार के जैसे तुअर, मसूर, ये सारे दाल होते हैं, चना का दाल, पेराई की फसल है, पेराई की फसल जिसमें से हमको तेल वगैरह निकाला, जैसे जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये पेराई की फसलें हैं, साग सब्जी जैसी बातों पर शोध कार्य प्रारंभ हुआ। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें लेने की प्रणालियों के विषय में
यहाँ मौलिक अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। यह इस संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसका लाभ बहुत सारे किसानों को हुआ। अगले पाठ में हम महिलाओं के संदर्भ में कानून, महिलाओं का योगदान, अन्य दुर्बल वर्गों के संदर्भ में सरकार की जो भूमिका है, सबके बारे में हम जानने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह जो है, यह भारत का सबसे बड़ा कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालय है। यहाँ पे कृषि से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।